ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्स जैसा जैसा थंबनेल पे देख चुके आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि भी, भी आपको क्यों पे करेगा कंपनी को ऑपरेट क्लाइंट आपको पे प्रीमियम प्राइस तभी पे करेंगे जब आप उनका प्रीमियम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिट टू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल राइट right. प्लस आपके बिजनेस में अगर आपको एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जैसे आपको खुद के अपने बिजनेस के लिए बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसे द प्रॉब्लम कैन बी ऑफ सेल्स राइट आप अपने बिजनेस में इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हो सो फॉर दैट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग तो आपको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंकलकेट या तो सीखने जरूरी है सो विदाउट एनी फर्दर आई लेट्स गेट स्टार्टेड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज ए फ्रीलांसर और एज अ मार्केटर यू नीड टू हैव अगर आप चाहते हो कि आपके पास हाई टिकट क्लाइंट है आप क्लाइंट को अच्छी तरह से सर्विस दे सको ताकि वो रिटेन हो जाते रहे आपके बिजनेस के अंदर सो वट आर यू वेटिंग फॉर गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि आवर चैनल इज द ओनली चैनल अंडर द सन जो कि रियल टाइम ऑथेंटिक एंड जेन्यून इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करती है इन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड फ्रीलांस इंडस्ट्री अगर पुराने हो तो यार लाइक like करो कमेंट करो अपना ग्रेटिट्यूड पे करो मोटिवेशन मिलता है ऑफिस आवर्स में आगे जब वीडियो बनाते हैं वी नीड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स मोटिवेट करो हमें ठीक है सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड तो आज का जो हमारा कंप्लीट एजेंडा है ना द एजेंडा इज ऑल अबाउट टॉप स्किल्स टॉप स्किल्स एज अ फ्रीलांसर क्योंकि हम क्यों आज फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग ही एक ऐसा स्टेप होता है जो आप अपने एजेंसी बिल्डिंग जर्नी में सबसे पहले लेते हो ये होता है एक्चुअली में एक फाउंडेशन स्टोन ये होता है आपका सोलो प्रिनरशिप का पहला स्टेप तो फ्रीलांसिंग से बिगिन करते हैं फ्रीलांसर

वेरी फर्स्ट स्किल दट आई फील इस मार्केट रिसर्च स्किल नहीं है आप सीधा जाते हो खोलते हो क्लाइंट विदाउट ओनी डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च आप प्रोडक्ट आइडिया सोचते हो कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो ऑफर लॉन्च करेंगे विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च सबसे पहले मार्केट का मुआइना करना जरूरी है Bro, अगर मेरे को कहीं पे जंप लगाने का इफ आई वॉन्ट टू मुझे एक जगह से एक एक स्विमिंग पूल पे तैरना है तो भाई सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई हाउ डेप्थ इज द पूल राइट विदाउट फिगरिंग आउटिंग फिगरिंग आउट द डेप्थ हम कैसे कूदेंगे दिस इज कॉल्ड रिसर्च मार्केट रिसर्च एक बहुत ही हाई पेइंग स्केल है इस मार्केट रिसर्च के अंदर क्या क्या आता exactly है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इज अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस ऑडियंस हु एग्जैक्टली इज योर ऑडियंस उनका डेमोग्राफी किया है उनका इंटरेस्ट क्या है उनके बिहेवियर क्या है उनके साइकोग्राफिक एस्पेक्ट्स क्या है सो so गाइज हम अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में बहुत ही फोकस तरीके से एक आईआईएम लेवल फोकस्ड पैटर्न तरीके से कॉग्निटिव वे से हम ये सिखाते हैं कि आप अपने ऑडियंस के बिहेवियर को कैसे समझ सकते हो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज समथिंग दैट यू नीड टू मास्टर इफ यू वॉन्ट टू बी ए मार्केटर दूसरा आता है आपका कॉम्पिटिटर

मार्केटिंग इज ऑल अबाउट शोइंग अप आपको अपने कस्टमर से एक बेटर स्टोरी के साथ आपको अपने आप को पोजिशन करना है इफ यू आर डूइंग इट बेटर देन योर कॉम्पिटिटर देन द पीपल आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू द फंडा इज एज सिंपल एज इट तो आपको कॉम्पिटिटर को समझना बहुत जरूरी है जैसे चेस खेलते हैं ना कॉम्पिटिटर का चाल को समझना एक्जैक्टली exactly वैसे द नेक्स्ट इज यू नो अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग ए स्ट्रांग विनिंग प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो एक ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करना ऐसे स्किल्स लेना ऐसे क्वालिटी ऑफ सर्विस देना देन देनाजिंग पैकेजिंग पैकेजिंग मेक सेंस हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं कहूं सर्विस इंडस्ट्री में लोगों को जब प्रपोजल मांगा जाता है तो वो व्हाट्सअप पे भेज देते हैं ब्रो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग आप अपना प्रपोजल कैसे बिल्ड कर रहे हो प्लस ऐसा एक प्राइसिंग बिल्ड करो जिसमें प्रॉफिट हो जिसमें प्रॉफिट हो ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही चार्ज कर रहे हो ऐसे ही बिजी रह रहे हो बट यू आर नॉट एक्मुलेटिंग वेल्थ बट आपका पास वेल्थ नहीं हो रहा है सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू अंडरस्टैंड पीपल हम कहते हैं कि मार्केट रिसर्च रिसर्च अराउंड ऑडियंस प्रोडक्ट एंड योर कॉम्पिटिशन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है एनालिटिक्स अभी गूगल एनालिटिक्स फोर जी लॉन्च हो चुका है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर

अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हो हम जैसे मल्टी टच पॉइंट मार्केटिंग करते हैं या जैसे से 360 डिग्री मार्केटिंग करते हैं मतलब अपने तो प्रोडक्ट को मल्टीपल जगह प्रमोट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी नोइंग फ्रॉम योर एनालिटिक्स कि कौन से पर्टिकुलर चैनल से मेरे को कम से कम खर्च में हमारा फर्स्ट टाइम विजिटर मिला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड ट्रैक इन अ बिजनेस Then comes goals को देखना की क्या जितने ट्रैफिक अक्वायर हो रहे हैं मल्टीपल सोर्सेस से उसमें से कितने लोग हमारे कन्वर्जन गोल को हिट कर रहे हैं यानी लोग इंक्वास बन रहे हैं? तो अकॉर्डिंगली हम अपना स्केलिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो भी प्लेटफॉर्म से हमें सबसे ज्यादा गोल कन्वर्जन मिलते हैं हम उस पर पैसा लगाते हैं मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेजरिंग एंड स्केलिंग दर्ड इज बॉयज एंड गर्ल्स वेट पे यू नो मार्केटर्स दे शाई ऑफ करते ही नहीं है अभी आप क्या देख रहे हो समथिंग दैट आर यॉचिंग नाउ इज अ कॉन्टेंट कंटेंट डेवलपमेंट भाई मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मैसेजिंग आपका कस्टमर यहां पे आप यहां पे हो अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के मैसेजेस को पहुंचाना इज नथिंग बट कॉल्ड एस दी मार्केटिंग राइट इस कॉल इज मार्केटिंग सो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पिलर होता है मैसेजिंग और वो होगा दोस्त बाई कॉन्टेंट डेवलपमेंट कॉन्टेंट डेवलपमेंट के अंदर विदाउट फेल बॉयज एंड गर्ल्स कॉपी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी यानी कि कॉन्वर्जेशनल एंड कन्वर्जन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन कन्वर्जन ओरिएंटेड और कॉन्वर्जेशन भी होना चाहिए किसी के साथ मेरे को लोग मैसेज क्या करते हैं पता है सर हमने मैसेज किया बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहे बोरो यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद देम यू आर नॉट स्पार्किंग कॉन्वर्जेशन यू आर जस्ट विकिंग सेलिंग तो किसी को मैसेज भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर एक ईमेल भेजना है पर्सनलाइज्ड ईमेल दो चार लाइन हो बट दे टेक एक्शन दिस इज द आर्ट ऑफ कॉपी राइटिंग हम लोग दोस्त अपने लाइफ टाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम इसे बहुत ही डिटेल तरीके से कॉग्नेटिव तरीके से हम सिखाते हैं फॉर थर्टी डेज हाउ कैन राइट एम कॉपीज आज के अगर आप एक अच्छे कॉपी राइटर हो ना यू विल बिकम ए इन डिमांड राइटर ऐसा नहीं है कि सो एज टू बिकम ए कॉपी राइटर आई हैव टू बी ए आई हैव टू बी वेरी गुड एट इंग्लिश राइटिंग ऐसा कुछ नहीं है दिस इज अथ सिर्फ फ्रेमवर्क पे ऑपरेट करते हैं देन कम्स वीडियो प्रोडक्शन सिस्को सेट आई बी एम सेट दैट नाइंटी परसेंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट पीपल आर गोइंग टू वॉच इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड बियॉन्ड विल बी वीडियो आप खुद से एक सवाल पूछो आपको अगर कोई चीज प्रोडक्ट खरीदना है सर्विस देना है यू रीड एन आर्टिकल यू रीड ए प्रोडक्ट मैनुअल और यू गो आउट एंड रीड नो वॉच ए वीडियो राइट आप विडियो ही देखते हो तो यू कैन नॉट शाई अ फ्रॉम वीडियो मार्केटिंग वीडियो प्रोडक्शन विडियो प्रोडक्शन यानी कि वीडियो के आइडियाज निकालना वीडियो को एडिट करना प्रोड्यूस करना स्टोरी टेलिंग करना दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एमिनेंट स्किल देन कम्स सेल्स प्रेजेंटेशन गाइज ऑफलाइन मार्केट हो या ऑनलाइन मार्केट हो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स शुड बी प्रोफेशनल एंड एट अ प्रो लेवल ये चीज सीख सकते हो इट्स नियर टू पब्लिक स्पीकिंग हम कहेंगे थोड़ा बहुत पब्लिक स्पीकिंग इसमें होता है यानी कि लोगों को समझाना कि किस तरह से आपके सर्विसेस या किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स लोगों को हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट कंपनी आप टीवी में देखते हो कि नाप्तोल कैड आता है इजी माल का चैनल चलता है जहाँ पे देर विल बी अ गर्ल सेलिंग अ बेडशीट सेलिंग सम सॉर्ट ऑफ समिटिंग प्रोडक्ट और टीवी पे वो सेल करते हैं दे विल बी येलिंग देर किडनी आउट वो इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के सेल करते हैं आप देखते हो राइट यू नो माई मॉम विल बी वॉचिंग द वीडियोज लाइक दिस ओ वाओ दो हजार में छः बेड शीट सी इज अबाउट टू ऑर्डर भाई दैट इज अ पार्ट ऑफ ए सेल्स प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में क्लाइंट के हाथ वन टू वन बैठे तो हम हमारे साथ वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को स्लाइड्स दिखा के कन्विंस कर सके प्लस सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट यह होते हैं आपके क्लोजिंग स्क्रिप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कस्टमर को मोटिवेट करना हिप्नोटाइज करना विद स्क्रिप्ट देट विल बी कन्वर्टिंग देन कम्स गाइज ऑफर बिल्डिंग भाई मार्केटर का काम क्या पता है ओनली बिल्डिंग ऑफर राउंड द ईयर आप अमेज़ॉन पे जाओ लोगों को लगता है कि सिर्फ ग्रेट अमेजॉन इंडियन सेल आता है साल में एक बार ब्रो एवरी सिंगल फ्रिकिंग मंथ देव ऑफर्स जान में 26 जनवरी ऑफ़र फेबरवरी में फिर यू नो वैलेंटाइंस डे ऑफर मार्च में लगा देंगे होली ऑफर अप्रैल में लगा देंगे लेट से सम मानसून ऑफ़र फिर जून में लगाएंगे सम समर धमाका ठीक है फिर अगेन सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप डे धमाका वेलकम देन यू नो अगेन यू नो गणपति धमाका देन यू नो ईद फेस्टिवल ईद फेस्ट देन क्रिसमस offers around their you need to understand people don't buy your product or service they buy your offer they buy your offer to so round the year hame offer bill jaise hamari industry mein hum kya karte hain abhi jaise aap dekh rahe ho ye 10 15 minutes ka free tutorial it is the thing but a offer ye offer hai jo aapko help kar raha hai अपने awareness level को point a से point b तक लेके जाने में ये video help kar raha hai this is an offer absolute freebie इट right. सो so, आपको राउंड देर ऑफर बिल्ड करना है जैसे हम वेमिनार प्लान करते हैं हम गाइड बुक चीट शीट टेंट स्क्रिप्ट प्लान करते हैं हम ई मेल प्रोग्राम्स अपने क्लाइंट बेस के लिए प्लान करते हैं सो ई बुक्स होते हैं हमारे सर्विस इंडस्ट्री में व्हाइट पेपर्स होते हैं सो ऑफर बिल्ड करने का स्किल क्योंकि पीपल आर नॉट गोइंग टू योर प्रोडक्ट अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गिविंग देम चांस टू टेस्ट योर प्रोडक्ट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तो ट्रायल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में राइट right? ट्रायल्स होते हैं जैसे आप कोई मिठाई के दुकान पर जाते हो फल के दुकान पर जाते हो थोड़ा सा मिठाई और फल का आपको खिलाता है टेस्ट कर लो कैसा है बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट अनलेटल यू आर नॉट गेटिंग दै टेस्ट और ग्लेम्स यू आर नॉट गोइंग टू मेक ए डिसीजन तो वो ऑफर राउंड भर आपको ऑफर बिल्ड राउंड दर आपको ऑफर बिल्ड करना है फिर टेस्ट करना है एवरी क्वार्टर की इस क्वार्टर में जो ऑफर हमने चलाया कौन सा ऑफर सबसे कम से कम खर्च में हमें ट्रैफिक लेके आया और कौन से कम से कम खर्च में हमें सेल ला दे रहा है इस दिस काइंड ऑफ ट्रैकिंग इन एनालिटिक्स टू बी डन तो आपको ऑफर चारा तो देना पड़ेगा टू ग्राफ पीपल अटेंशन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट आई वुड से इज राइटिंग टूर स्टडी बॉयज केस स्टडी क्योंकि जो हमारे टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना उनका प्रोसेस ही होता है कि वो आपको हंड्रेड परसेंट केस स्टडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो दिखाएगा कि सिमिलर प्रोजेक्ट आप किसी पिछले प्रीवियस क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट exactly है। तो होते हैं गाइज एक ट्रस्ट जमाने में हेल्प करते हैं फिर शो योर क्रेडिबिलिटी एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई लव दिस क्लोज करना क्लोजिंग डजेंट मीन की फर्स्ट टाइम कस्टमर को क्लोज करना अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को अपसेल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन ले लेना सारे ऑब्जेक्शन को क्रश करना कितने सारे ऑब्जेक्शन आते हैं आई डोंट हैव मनी योर प्राइसेस आर वेरी हाई आई विल टेल यू लेटर ऑन आई विल टॉक टू माई मैनेजर वी विल डिस्कस लेटर ओके डोंट हैव टाइम बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं इन सारे ऑब्जेक्शन को धुआं धार करना सबको नस्ते नाबूद करना और उनको एक ऐसा ऑफर देना दे विल है बहुत ही यू नो पावरफुल स्किल है यहां पर आपको इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इफ यू वॉन्ट टू बी ए स्ट्रॉन्ग क्लोजर दैट मीन्स बिकॉज इस स्टेज पे हम पैसा मांगते हैं वी विल डायरेक्टली आस्क दाउ आर यू गोइंग टू पे

एडमी इज द बेस्ट वाई लेट मी टेल यू लाइव क्लास मॉडल डैट मीन्स लाइव फेस टू फेस हम आपको ट्रेन कराएंगे जो भी डाउट होंगे लाइव लेके जाएंगे आपको लाइव क्लियर करेंगे सेशन के दौरान सेशन के आगे सेशन के पीछे एवरी थिंग विल बी क्लियरिंग योर डाउट देन एंड देयर राइट प्लस अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन यानी कि घर पे बैठे हो ऑफिस पे बैठे हो प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आया असाइनमेंट्स पे कोई दिक्कत आया इध इन योर डे टाइम जब सेशन नहीं भी हो रहे हैं इन योर सेल्फ लर्न आवर्स ऑल्सो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो बाई जस्ट वन बटन क्लिक आर टीम और मी विल बी कॉलिंग यू विल बी सॉल्विंग योर डाउट ओवर ए फोन और ओवर ए रिमोट कनेक्शन नंबर थ्री जो भी सेशंस होते हैं वी गिव यू एल लाइफ टाइम एक्सेस का एक एलएमएस। एम स्टडी मटेरियल के लिए जो कि लाइफ टाइम अपग्रेडेबल होगा ताकि बाद में आप रिफर कर सको वेन एवर यू आर ए जॉब फील्ड या आप कोई क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो एल एम एस इंटर्नशिप अगर आप एक फ्रेशर हो प्रोफेशनल बिगिन करना चाहते हो प्रोफेशन अपना देन पेड इंटर्नशिप यू विल बी लर्निंग ऑन आर लाइव प्रोजेक्ट्स लाइव की वर्स लाइव परफॉर्मिंग एनालिटिक्स एंड ऑफकोर्स लाइव एड कैंपेन पे आप काम करोगे विथ बजट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंडिविजुअली आपके साथ एक टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा जो आपको गाइड करेगा इन दिस टू ऑफ इंटर्नशिप साढ़े चार महीने के दौरान आपका ढाई महीने के बाद आपको दो महीने का इंटर्नशिप रखा जाएगा यू गेट कंप्लीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां पे आपको विच इज रिकेकोग्जेबल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब एंड गाइस ट्रस्ट मी गाइस दर आर हेल हेल्ड ऑफ अदर बेनिफिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वन टू वन इंटरेक्शन विथ मी

राइट कॉपी राइटिंग विद इन द सेशन ताकि हम आपके ग्रोथ को मॉनिटर कर सके वी आर द बेस्ट नो बडीज आर कॉम्पिटिटर रिमेंबर स्मार्ट पीपल स्मार्ट प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट हियर इन्वेस्ट हियर आपको मोबाइल खरीदना है जूता खरीदना है ब्रांडेड चीजों पर खर्च करते हो राइट right? किस सपना होता है कि मैं मैं शादी करूंगा तो यार इस रिसोर्ट पर करूंगा कपड़ा पहनूंगा तो भाई ये सब बाई प्रोडक्ट है इफ यू इन्वेस्ट हियर एवरीथिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ

The next batch is starting soon. See you in the live session. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.